हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गिट्स की तरफ से वेज बिरयानी, जो कि रेडीमेड है। हमें उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसे परचेज़ किया था और मुझे देखना था कि एक्चुअली कैसा लगता है, क्या ये उतना टेस्टी है बनने के बाद, मतलब जैसे उसमें बताया गया है। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे परचेज़ करके इस पर मैं एक वीडियो बना सकती हूँ और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में है कितना ज़्यादा अच्छा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कोई भी कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं किसी भी तरह का झूठा नहीं बोलूँगी, जो है मैं जेन्युइन बोलूँगी। ये जब मैंने बनाया है इसे, इसमें कुछ हमें ज़्यादा करना नहीं है। जो भी प्रोसेस है मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, इसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। वो मैंने पूरा वीडियो बना लिया, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। ये बनने के बाद, मतलब रेडी होने के बाद, इतना अच्छा, इसके एक एक दाने इतने सॉफ्ट और इतना, मतलब आप बोलेंगे ही नहीं कि ये रेडी टू ईट बिरयानी है। जस्ट ऐसा लग रहा था बस अभी बनाया है और हमने परोस लिया अपनी थाली में। बहुत ही सही वाला रेसिपी है, तो प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए और देखिए मैंने इसे कैसे रेडी किया है और आप भी एक एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर।
तो गाइस देखा आप लोगों ने ये कितनी जल्दी से रेडी हो गया है, रेडी टू ईट है। इसे सर्व करिए और इन्जॉय करिए, बहुत ही अच्छा था ये। मैंने इसे ट्राई किया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई करिए, ट्राई करके देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना ज़रूर। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही इंजॉय करती रहिए वीडियो को। और ये जो डिश थी ये काफ़ी अच्छी थी, आप इसे रख सकते हैं अपने घर पर इमरजेंसी के लिए। कभी ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा नमक है, मिनिमम है, बहुत ही अच्छा है। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार तो ज़रूर करिएगा। मेक श्योर करें मेरी इस वीडियो को प्यार दिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।